बस यहाँ पे सब लोग सनराइज देखने के लिए ही खड़े हैं। सब लोग बोलते हैं कन्याकुमारी का सनराइज बहुत अच्छा होता है, तो चलो हम लोग भी देख के आते हैं। इसके लिए हमने और मेरी टीम ने सोचा कि कन्याकुमारी का सनराइज देख के आते, तो हम लोग यहाँ पर है कन्याकुमारी का सनराइज देखने के लिए। देखते हैं इसका व्यू कैसा आता है, थोड़ा जूम करके देखता हूँ। मतलब वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं, मतलब कैमरा की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं, पर ठीक ठाक दिख रहा है। हाँ थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा है, अच्छा दिख रहा है। धीरे धीरे सनराइज हो रहा है। कितने बजे होगा सनराइज? 6:36 को सनराइज होने वाला। टाइम कितना हो रहा है अभी? बस 10-15 मिनट है, उसके बाद में सनराइज होगा। चालू रखते हैं। यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक आई यार देखने के लिए, तो पार यहाँ पे नीचे भी बहुत सारी पब्लिक मिल रही है। सो गाइस 10-15 मिनट फॉरवर्ड करते हैं, हम भी देख लेते हैं यहाँ का सनराइज होता कैसे देखने को मिले, ठीक है। और सनराइज जल्दी देखने को मिले, मस्त लहरें उठ रही है नीचे। एक्चुअली हाँ थोड़ा सा बोरिंग तो लग रहा है, पर कोई नहीं, ठीक है। इसके बाद में हम लोग बोट उट में सब जगह पे घूमने वाले, तो शायद बोरिंग ना लगे इसके बाद में। अभी थोड़ा थोड़ा उजाला हो रहा है, तो उसको फॉरवर्ड नहीं कर सकता, वरना मिस हो जाएगा सनराइज। सनराइज जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। अभी कन्याकुमारी से स्पेशल यहाँ दो तीन अन्ना लोग मिल के, दोस्त लोग मिल के कुछ ना कुछ बोल रहे, पर समझ में नहीं आ रहा है, बनता है कुछ बोल रहे। थोड़ा सा और सनराइज हो गया है, हल्का सा। छोड़ो जान दो यार, सूर्य तो उगने में बहुत टाइम है, अपन लहरों पे फोकस करते हैं, ठीक है। धूप एक्चुअली मेरे बाजू वाले अन्ना को ठंडी लग रही है, पहले अंडा को ये जो ना वाइट वाइट बाल है, देखो धीरे से बोलता हूँ, ये जो वाइट वाइट बाल है ना उसको ठंडी लग रही है। देखो इधर ये अन्ना ना सरे आम एकेएम चला रहा है, ये टोर 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 भाई बहुत खतरनाक सूरज में उगने वाला है। और देख लिया ना वीडियो निकालते हुए, सो चार गोली अपने अंदर भी डाल देगा। जल्दी देर में बस इतना नहीं समझ में आया कि लोग कन्याकुमारी से सनराइज देखने के लिए इतने एक्साइटेड क्यों होते हैं। ये क्या चल रहा है, कमर उमर पे हाथ रख के जा रहा है। हाँ तो मैं निकल तो खूबसूरत है, बट धीरे धीरे हटाना है सबको, बस इससे अच्छा दिख रहा है भाई। कभी खंदे पे कभी कमर पे, तेरा यही प्रॉब्लम है, वॉइस लुक यही एक अच्छा है। कोई कौन सी तो गाइस उस बंदे का नाम ना, वो कहाँ गया अन्ना खड़े हो गए, उस बंदे का नाम ना सूरज है, दिखाई नहीं देगा यहाँ से, कहाँ गया। हाँ और आवरा उसके बंदे का नाम सूरज है, मैं आप लोगों के लिए स्पेशली ना उसको मार मार। चलो गाइस सनराइज पे फोकस करते हैं, सनराइज पास हो गया, अब जाके थोड़ा सा बाहर निकल गया, थोड़ा सा निकल चुका है, थोड़ा सा निकला है। सनराइज बिल्कुल क्लियर नहीं है। हाँ भाई फाइनली लाइक सनराइज देखने को मिल गया। वैसे ही कन्याकुमारी का सनराइज से इतना कुछ खास नहीं था, अपन दूसरा कुछ देखते हैं, बोट उट से घूमते वगैरह वगैरह। चलो चलो गाइस जाने दो, इतना कुछ खास नहीं दिख रहा है, तो रहने देते हैं इधर। अपन मार्केट में घूमते हैं, अभी थोड़ी देर बाद में अपन बोट में बैठ के ना पूरा समुद्र घूमने वाले हैं, उसका वीडियो दिखाता हूँ मैं तुम लोग को, ठीक है। सनराइज़ तो इतना कुछ खास नहीं था, मतलब बहुत एक्साइटेड था मैं कि हाँ भाई सनराइज़ देखने को मिलेगा, सनराइज़ देखने को मिलेगा, पर इतना कुछ खास नहीं है, नॉर्मल ही है।
हाय गाइस, इतनी देर बाद कुछ अच्छा होने जा रहा है। हम लोग बोट पे एंजॉय करने जा रहे हैं। अभी मतलब सुबह से तो पूरा दिन बोरिंग ही जा रहा है। अभी बोट का कैसा जाता है कैसा नहीं पता नहीं, जब बोट पे जाएंगे बाकी का वीडियो वहीं पे चालू करूँगा, ठीक है। अगर ये इतनी लंबी चौड़ी लाइन से जाना हो तो 50 रुपये, वो माँ कसम में लंबी चौड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी है। ए विजय भाई, मतलब पूरा 150 बचाने के लिए हमें ऐसा जाना पड़ेगा, ऐसा जाना पड़ेगा, वैसा जाना पड़ेगा, कैसा कैसा जाना पड़ेगा, कैसा करना पड़ेगा। देख देख, 200 रुपये इधर है, 50 रुपये कैसा कैसा जाना पड़ेगा पता भी नहीं चलेगा। झुमके आएंगे आगे, फिर लोग जाएंगे, फिर झुमके आएंगे, फिर आगे लोग जाएंगे। टाइम देता है, 2 बजे निकलना भी है अपने को। फाइनली कम से कम बाहर तो आ गए, उस बोट पे जाने वाले हैं। देखते हैं मतलब अभी भी जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे बता नहीं सकते कुछ भी। हाँ, सब लोग नीचे उतर रहे हैं वहाँ से। चलो 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 यार, अब अगर यहाँ पे रुकना पड़ गया ना मूड ख़राब हो जाएगा, धूप में हो गया इतना कड़क। ये बोट तो निकल के लिए ही बढ़ दिया था। यहाँ पर भी गर्ल्स बॉयज अलग अलग, लेडीज अलग जाएंगी, जेंट्स अलग जाएंगे, कुछ नहीं हो सकता बॉयज, हर जगह पे एक ही कारनामा है। ये अच्छी बात नहीं है। रस्सी देखना देखा है, फाइनल डेस्टिनेशन। चलो 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 भाई, वो रेड कलर को लाइफ जैकेट बोलते हैं ना, वो भी दे रहे क्या पहनने को? हाँ, तो इसके लिए तो मैं लीटर को ढकेलने वाला हूँ पानी में। ए देव, चार्जिंग किधर रखा है? चलो 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 भाई जगह के फूल हो जाएगा, मेरे को भी अच्छा लग रहा है। ये ना लाइफ जैकेट खत्म खत्म खत्म, इधर आते आते खत्म हो जाएगा सब। लेडीज लोग यहां आ रहे हैं, जनता वेंडो का नेट पड़ा। ओ भाई खत्म, भाई बड़ा हाथ मारो, जल्दी जल्दी हाथ मारो, हाथ मारो, खत्म हो जाएगा। नहीं मिला तो नहीं मिला, चल सूरज खत्म 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 सूरज ये कैसा दिख रहा है, आदिवासी दिख रहे भाई? विदाउट इसके भी जा सकते क्या? भाई जा सकते हैं विदाउट सूट के, जा सकते हैं। तू चिल कर, चिल कर, बैठ कर, चिल कर। पौड़ा रे, पौड़ा रे ब्रो, पौड़ा रे, पौड़ा रे।
चल भाई अंदर चल भाई, वो तो आने देना भाई अंदर, सीट चली जाएगी भाई, सीट चली जाएगी, किसी ने देख लिया तो बोर्ड आ रहे हैं। तू बैठ जा उस बाद में उठ जा भाई, बोर्ड आ रहे हैं ये भाई के अंदर जा रहे हैं, तो बोर्ड आ रहे हैं ये भाई, क्या हो रहा है बोर्ड आ रहे चक्कर उक्कर आने लग जाएंगे, मजबूत हिल रहा है यार, मेरे पीछे क्या कर रहे थे उनके कन्नड़ा रॉक मेमोरेबल, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, पंडित जी ने कही नहीं टिकट ही पूछे यार, कुठे कैमरा में दिख रहा है कौन सी टीम कर रहा है, ब्रदर वो बाबू साइड ला, मम्मी 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 वेल पण असेल डॉल्फिन पण चप्पल काढायला लागेल का यार, मच्छी है कॅमेरामध्ये मच्छी दिसत तर नाही बाबा।
एक्चुअली अंदर का दिखाने वाला था, वो दिखा नहीं पाया क्योंकि वहाँ पे अंदर मतलब वीडियो निकालना, फ़ोटोज़ निकालना अलाउ नहीं था, इसके लिए अंदर की फुटेज नहीं दिखा पाया आप लोगों को। फुटेज दिखाने के बाद तो निकाल ही नहीं पाया। सीरियसली बम बना था ये साटे की ना आप मुझे से जैसे कर मजा आए। हाय गाइस, मतलब पूरा ब्लॉग तो देख ही लिया होगा, कुछ भी खास नहीं है यार ब्लॉग में, कुछ भी खास नहीं है। बस ये देखने जैसा है, स्वामी विवेकानंद का मूर्ति हो गया, समुंदर हो गया, यही सब है। बोट में हम लोग ने 2 घंटा लाइन में लगे थे, 2 घंटा लाइन में लगे थे, और 2 घंटा लाइन में लगने के बाद में हम लोग 2 मिनट खाली बोट में बैठे, खाली 2 मिनट। अरे क्या बोलने का यार, शिट, मूड ख़राब हो गया पता है। कुछ भी ढंग का नहीं है, कुछ भी तो अगर आते भी हो ना यहाँ पे तो यहाँ पे घूमने मत। बाकी मेरा तो यही सजेशन रहेगा, बाकी तुम लोग की मर्जी, क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।